गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस सुमित गर्ग है और अपने चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया था, सर्कुलर नंबर 13, जो कि 13 जुलाई 2020 की डेट में इशू किया गया था। इसमें वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया था वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि 120 दिनों के अंदर आपने जो भी रिटर्न फाइल की है, आपको उसे आधार ओटीपी या फिर जो उसका एक्नॉलेजमेंट निकल कर आता है उसे साइन करके सीपीसी बैंगलोर भेजना होता है। अदरवाइज आपकी रिटर्न को ऐसा माना जाता है कि आपने कभी फाइल नहीं की। तो इसी के चलते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक वन टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड की थी फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर असेसमेंट ईयर 19-20 तक। तो इसके तहत आप 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न्स को यदि आप फाइल कर चुके हैं, तो यहाँ पर मेन कंडीशन क्या थी कि आप पहले से फाइल कर चुके हैं और सिर्फ आपके एंड पर क्या पार्ट रह रहा है, ई वेरिफिकेशन या फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपके एंड पर रह रहा है। तो इन दैट केस आपकी उस डेट को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर इसके रिलेटेड चेंजेस नहीं किए गए थे और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पुरानी पास्ट रिटर्न को कैसे वेरीफाई करें। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, आज 14 अगस्त 2020 की डेट में यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना जो इनकम टैक्स ई फाइलिंग का पोर्टल है यहां पर अपडेट कर दिया है। वैसे ये अपडेट कल हो गया था, लेकिन इसका जो न्यूज अपडेट है वो आज के दिन आया है। तो यहां पर लिखा है, इन लाइन विद द सर्कुलर नंबर 13, ई वेरिफिकेशन हैज बीन री एनेबल्ड अप टू 30 सितंबर 2020, यानी कि अगले महीने यानी कि 30 सितंबर 2020 तक आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। Who could not verify the return data within the stipulated timelines? Process to e-verify post login my account. तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आप e-verify अपनी returns को कैसे कर सकते हैं। तो just आपको क्या करना है, आपको income tax efiling.gov.in की साइट पे जाना है और अपना login करना है। जैसे मैं अपना login डाल देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर आप देखेंगे पहले फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न्स ऑफ फॉर्म का ऑप्शन अनेबल था। नाउ यहाँ पर ई वेरीफाई रिटर्न डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर का भी ऑप्शन अनेबल कर दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपकी रिटर्न कौन कौन सी ऐसी रिटर्न है जो कि असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर असेसमेंट ईयर 19-20 तक पेंडिंग है और उसे ई वेरीफाई करने का ऑप्शन यहाँ पर आपके अनेबल हो जाएगा। तो आप उसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें इस नॉर्मल ई वेरिफिकेशन के जो ऑप्शन आते हैं, आई डू नॉट हैव एन ईवीसी और आधार ओटीपी, सेम ऑप्शंस आपके पास अनेबल रहेंगे। तो आप उसका यूज करके उन्हें ई वेरीफाई कर सकते हैं। और साथ ही मैं उन लोगों की भी बात कर लेता हूं जिनके पास ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है, लाइक उनका जो बैंक अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या फिर आधार के साथ उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, बैंक अकाउंट में नेम मिसमैच है। तो काफी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ई वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इन दैट सिनेरियो आपको डैशबोर्ड पे जाकर उस पर्टिकुलर रिटर्न्स को खोलना है और वहां से जो ITR V एक्नॉलेजमेंट आती है आपको उस ITR V एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना है और साइन कर सीपीसी बेंगलुरु भेज देना है। इसमें आपको जो टाइम लिमिट है वो 30 सितंबर है और आपका जो रिफंड है वो रिफंड पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो ई वेरिफिकेशन में डिले हुआ है, जितना भी पीरियड का डिले हुआ है उसका इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो आपकी गलती की वजह से हुआ है। और इसका ही सेम रेफरेंस इस सर्कुलर में भी दिया गया था। आप देखेंगे इंटरेस्ट के रिलेटेड यहाँ पर सबसेक्शन 244A2 को रेफर किया गया था और कहा इस 244A सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि यदि जो डिले है वो असेसी की वजह से है तो उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया जाएगा। बाकी अगर आपका कोई प्रीवियस रिफंड है तो वो भी रिफंड यहाँ पर इशू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।